नमस्कार, मैं सुधीर जहांगीरदार और मेरी पत्नी सुजाता जहांगीरदार, हम दोनों मस्कट में 20 साल से रह रहे हैं और वहाँ पे हम 5-6 साल से रेगुलर योगा कर रहे थे। वहाँ पे जो हमारे मेंटर थे श्री गजेश जी धारीवाल, उन्होंने कैवल्य धाम में योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको भी योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स करना है और फिर हमने वेबसाइट पे कैवल्य धाम के बारे में बातें देखी तो 100 साल पुरानी इंस्टीट्यूट है और ट्रेडिशन और साइंस दोनों का अनोखा मिश्रण बनाकर वो योगा सिखाते हैं। वो बात हमें बहुत भाई और फिर हम दोनों ने यहाँ पे आने का निश्चय किया। नमस्ते, जैसे सुधीर जी ने कहा, हम दोनों YIC करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचर्स एक्सपीरियंस्ड है, वेदर भी अच्छा है और एक एक स्टेप्स हमें समझा के करवा लेते हैं। मुझे एक यहाँ पे अच्छा लगा कि बाहर हम जो योगा करते हैं इट इज़ एज अ एक्सरसाइज, बट यहाँ पे जो योगा होता है ट्रेडिशनल योगा होता है उसके साथ साथ अवेयरनेस के लिए ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस रहता है। सो दैट आई लाइक वेरी मच। देन लेक्चर्स जो बीच बीच में थे वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव थे, जिससे योगा करने के लिए, योगा का पूरा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें सहायता मिली। और बाकी यहाँ का स्टाफ यहाँ बहुत अच्छा था, क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है और पर्सनली टीचर्स हमें हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो एक अच्छा सा 15 डेज का ये प्रैक्टिकल हमें लगा और आगे भी यहाँ पे आने के लिए हम जरूर उत्साहित होंगे। हम तो 5 साल से रेगुलर योगा करते रहे थे लेकिन यहाँ पे पहले दिन से जो हमने प्रैक्टिकल शुरू किया उसमें जो बातें बताई गई फॉर द सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंसिंग विद इन इंटरनल ऑब्जर्वेशन इन द बॉडी, तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी। और आँखें बंद करके जो योगा करने में बॉडी के अंदर जो बदलाव हो रहे अलग अलग आसन के वजह से, उसका जो अनुभव था वो बहुत ही अद्भुत था। और ये पहली बार हमने यहाँ पे महसूस किया और हमको इसका महत्व समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे जो सब शिक्षक है बहुत ही प्रशिक्षित है, डॉक्टर्स, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके पास ज्ञान का बहुत भंडार है और उन्होंने जो प्राणायाम, आसन और क्रियाएं, उनके बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। और जो काफ़ी चीज़ें हम जानते नहीं थे योगा के बारे में वो हमें यहाँ पे सीखने को मिली।